वासेपुर में एक कार्यक्रम के दौरान धनबाद विधायक राज सिन्हा के द्वारा दिए गए बयान में उन्होंने कहा था कि वासेपुर के लोग हमें वोट नहीं देते हैं, इसलिए वासेपुर का नहीं हुआ विकास। कि आप चूंकि हमको वोट नहीं देते हैं, देखिए मैं बिल्कुल साफ गोई से बात कर रहा हूँ, आप मुझे वोट नहीं देते हैं इसलिए विकास के कामों पर आपका हक हमारे नजरिया से नहीं बनता है। इस बयान पर कटाक्ष करते हुए धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के जिला उपाध्यक्ष राशिद रजा अंसारी ने कहा कि विधायक जी, वासेपुर की जनता को आपका सहयोग नहीं चाहिए। वासेपुर की जनता अपना विकास खुद कर सकती है, लेकिन एक विधायक को ये शोभा नहीं देता है कि वो ऐसा बयान दे, क्योंकि एक विधायक सिर्फ कोई क्षेत्र का विधायक नहीं होता, वो पूरा जिला का विधायक होता है। धनबाद विधायक राज सिन्हा जी, आप सिर्फ भूली केंदुआ पुटकी के विधायक नहीं हैं, आप पूरे धनबाद जिला के विधायक हैं, इसलिए आपको ये बयान देना कहीं से भी शोभनीय नहीं है कि वासेपुर की जनता ने मुझे वोट नहीं दिया तो मैंने वासेपुर का विकास नहीं किया। वोट देना और नहीं देना ये जनता की हाथ में है। अगर एक पिता के दो पुत्र होते हैं तो एक पुत्र अगर पिता को ज़्यादा मानता है और दूसरा कम, तो ऐसा नहीं कि पिता एक पुत्र से ज़्यादा प्यार करते हैं और दूसरा से कम, पिता दोनों पुत्र से बराबर प्यार करते हैं। इसलिए आप वासेपुर के भी विधायक हैं, आपको ये सोचना चाहिए कि आपने ये गलत बयान दिया है, इसलिए आपको वासेपुर की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई कि इस मुद्दे को लेकर के आप आए मेरे पास। ये बहुत ही चिंताजनक बात है और जिस तरह का अशोभनीय वर्ड का जो इन्होंने प्रयोग किया है, कहीं ना कहीं एक जनप्रतिनिधि को इस तरह का बात मीडिया में आके नहीं बोलना चाहिए। और आप बताइए विजय जी कि मैं साफ तौर पे एक बात कहना चाहूँगा कि चुनाव प्रणाली में जो हमारा यहाँ का कानून है, ये कोई क्लियर कर सकता है क्या कि किसको किसने वोट दिया, किसको किसने वोट नहीं दिया? और राज सिन्हा जी जो इस तरह का बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आश्चर्य की बात ये है कि इतने सुलझे हुए इंसान, मैं उनकी अभी भी बहुत मैं इज्जत करता हूँ उनकी, ऐसी बात नहीं है, अच्छे इंसान हैं, लेकिन क्या है कि जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी, उसका एजेंडा ही यही है, उनकी ये मजबूरी है बोलने की कि देश को बांटो, जात को बांटो, धर्म को बांटो और राज करो। तो उसी के तहत वो आज उन्होंने वासेपुर में ये बात बोला। और मैं आपके चैनल के द्वारा एक बात बोलना चाहूँगा कि अरे आपने कौन सा काम कर दिया राज सिन्हा जी, ये वासेपुर पांडरपाड़ा आज़ाद नगर के लिए जो इतना बखान कर रहे हैं, एक रोड आप दे दिए अपने वो जो आपके ही जो लोग काम किए, तो क्या कर लिया आप? और रही बात वासेपुर की विकास की, तो मैं साफ तौर पर आपके चैनल के द्वारा कहना चाहूँगा कि राज सिन्हा जी, आपकी वासेपुर में कोई ज़रूरत नहीं है, पांडलपाड़ा में आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप विकास यहाँ मत कीजिए, हम जानते हैं आप कीजिएगा ही नहीं। अरे हम राशिद रजा अंसारी मुसलमान, हम अगर यहाँ पे 2000 वोट दिलवा भी देंगे ना आपको भारतीय जनता पार्टी को, और सीना चीर के भी दिखला देंगे, तब भी आप नहीं मानिएगा। जिसका मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ कि चले जाइए यूपी, 4-5 विधानसभा ऐसा है यूपी में जहाँ पे पूरे मुसलमान ने भाजपा को, योगी जी को वोट दिया, आज क्या वहाँ पे हो रहा है, गाजर मूली की तरह लोग वहाँ पे काट रहे हैं। तो राज सिन्हा जी से ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, बस इतना ही कहना चाहूँगा कि राज सिन्हा जी, ये सब बांटने वाली काम छोड़िए, इस तरह का अशोभनीय भाषा का प्रयोग मत कीजिए, क्योंकि ये फंड जो है आप अपने घर से नहीं दे रहे हैं, ये सरकार का फंड है और आप पूरे धनबाद के विधायक हैं, आपको वासेपुर पांडलपाड़ा या आजाद नगर के लोगों का दिल जीतना है तो यहाँ काम करना पड़ेगा। ऐसे भाषा का प्रयोग करके तो जो वोट दे रहा था वो भी वोट नहीं देगा आपको, तो इस तरह का भाषा का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए था, ये शोभा नहीं देता है। और फंड ये आपका अपना घर का फंड नहीं है, ये सरकार का फंड है, और इस तरह का जो आप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि आप जो आपका एजेंडा है पूरे हिंदुस्तान में, उसी के एजेंडा के तहत आप यहाँ पे काम कर रहे हैं धनबाद में, और हम आपको बोल रहे हैं ये बात, हाँ जी हम लोग वोट नहीं देते, मैं बीजेपी को वोट नहीं देता, क्यों दूंगा वोट? देश को बर्बाद कर दिया आपने, देश को जात पात के नाम पे बांट दिया, वर्गला करके झूठ के बुनियाद पे आपने सरकार यहाँ बना लिया,
पूरे हिंदुस्तान में गाजर मूली की तरह लोगों को काट रहे हैं। अभी 3 दिन पहले लखीमपुर खीरी में जो यूपी का जो कांड हुआ, आपके ही भाजपा के मंत्री के लड़का ने रौंद दिया किसानों को, 4 किसान हमारे वहां मर गए। आप उस पर बात कीजिए, आप विकास पे बात कीजिए, बढ़ती हुई महंगाई पे बात कीजिए, बेरोजगारी पे बात कीजिए। राज सिन्हा जी आइए हमसे बात कीजिए, बेरोजगारी पे, पेट्रोल की बेतहाशा वृद्धि हो रही है उस पर बात कीजिए, अनाज की बेतहाशा वृद्धि हो रही है उस पर बात कीजिए, रसोई गैस की वृद्धि हो रही है उसकी बात कीजिए। आप चले यहाँ पे वोट को लेकर के बंटवारा करने के चक्कर में कि यहाँ वोट नहीं मिलता तो हम यहाँ ये नहीं करेंगे। अरे आपको विकास की बात करना चाहिए, आप यहाँ पे काम कीजिए, यहाँ पे विकास कीजिए, लोगों का दिल जीतिए, वोट मिलेगा। लेकिन आप तो ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि आपको कोई वोट ही नहीं दिया। तो भाई हम हाथ जोड़ के आपसे बोलते हैं कि आप यहाँ पे मत आइए, ना यहाँ पे कोई काम की आपकी कोई जरूरत नहीं है वासेपुर में, पांडलपाड़ा में, और आप कर भी नहीं सकते हैं ये काम, क्योंकि आपका जो एमपी का जो फंड है, एमएलए का जो फंड हो तो यहाँ पे है, वो फंड का उपयोग जो है ना आप दुरुपयोग करते हैं, अपने लोगों से करवाते हैं काम, आप यहाँ तो करवा सकते नहीं। क्वालिटी ओवन फ्रेश, जो बच्चों की सेहत से करे प्यार, वो क्वालिटी ब्रेड से कैसे करे इनकार। हमारा पता है आरा मोड़, रेलवे गेट नंबर 1, धनबाद। मोबाइल नंबर 7004067527।